निकल पड़ा मैं पर फैलाए, थक गया हूँ दिल बहलाए। आतिश लगी और तिश्नगी, सीना ये मेरा क्यों जलाए। अलिफ बस अलिफ बस हर्फ नहीं, ज़र्फ है कमाल का। इब्तिदा जान की, जवाब हर सवाल का। अलिफ बस पायल में गीत हैं छम छम के, तू लाख चलेरी गोरी थम थम के। वाह। पायल में गीत हैं छम छम के। दादा जाग गए। अस्सलाम वालेकुम मोमिन भाई जी, जाग गए। वो कह रहे थे कि जब आप जाग जाए ना तो नाश्ता आपके साथ करेंगे। पूछ रहे थे मेरे बारे में। क्या, किस चीज के बारे में? मेरे बारे में, यही कि घर पे कौन आता है कौन जाता, कुछ पूछ रहे थे। हाँ भाई, वो तो रात को देख लिया था ना कि कौन आते हैं कौन जाते हैं। तुम ना जब तक दादा यहाँ पे, अपनी जबान को जरा लगाओगे। ठीक। कुछ बताया कब जाएंगे? नहीं, ये तो नहीं कुछ बताया। पूछो। नहीं नहीं, तुम नाश्ता बनाने को पूछ। अस्सलाम वालेकुम दादा। वालेकुम अस्सलाम। मैं अभी तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। अच्छा, नींद सही आई आपको? हाँ हाँ, बहुत ठीक आए। फजर की नमाज के वक्त ही आंख खुल गई। ये मेरी सालगिरह का तोहफा है। हाँ। बहुत खूबसूरत है। मतलब नहीं पूछोगे? क्या फायदा पूछने का, मतलब मैं भूल जाता हूं दादा। तो याद रखा करो। नहीं रहता याद। अल्लाह मोमिनीन के साथ है। और मैं मोमिन नहीं हूं। आए दादा, नाश्ता कर लेते हैं। आपने डोनर का कहा था? पैसों का इंतजाम हो गया? अभी नहीं हुआ, लेकिन हो जाएगा। जब पैसों का इंतजाम हो जाए तो तब बात करना। डोनर भी मिल जाएगा और गुर्दा भी लग जाएगा, पर बगैर पैसों के किसी से भी बात नहीं हो सकती। लेकिन मैं आपको ये बात बार बार बता रहा हूँ कि बगैर ट्रांसप्लांट के वो ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहेगा।
डायलिसिस हुआ है किसी का? जी। किसका? मेरे भाई। जवान है? मेरा भाई भी डायलिसिस पे है। पहले बड़े वाले भाई का गुर्दा फेल हो गया और अब छोटे वाले भाई का। और बड़े वाले का क्या हुआ? बड़े वाले भाई तो अल्लाह को प्यारे हो गए। आप दुआ कीजिएगा छोटा वाला भाई बच जाए। नहीं बनाता जैसे अपने हाथों से तराशे हुए मुजस्मे बनाता है, जिन्हें वो सिनेमा जाने वाली ऑडियंस के दिलों और जहनों में सजा देता है। वो अपनी हीरोइंस को ऑब्जेक्ट्स के तौर पे पेश करता है और फेमिनिस्ट के तौर पर या एक फिल्म मेकर के तौर पे ये मेरी सबसे बड़ी शिकायत है। इसके अलावा इसके फिल्म में हीरो के सामने खिलौने से ज्यादा हैसियत और अहमियत नहीं रखती। अपने सारे ग्लैमर, अपने शहर से सिनेमा, देखने वालों को शहर ज्यादा कर देने और साल की सबसे बड़ी हिट देने के बावजूद। ये किसने लिखा रिव्यू? सदफ सहर। आखिरी के कुछ जुमलों के अलावा तो उसने आउटक्लास रिव्यू दिया है। ये तो आखिरी चंद लाइनें भी क्यों हैं? जब हम 5-स्टार रिव्यू के लिए इनको पे कर रहे हैं तो ये आखिरी चंद लाइनें भी क्यों हैं बीच में? मेरी बात हुई थी सदफ से, वो कह रही थी कि बैलेंस रखने के लिए उसको थोड़ी सी लाइंस ऐड करनी पड़ी हैं इस आर्टिकल में। अगर सिर्फ तारीफों पे तारीफें लिखती तो लोगों को लगता कि हमने पैसे दिए हैं। ये मेरा मसला नहीं है। मेरा मसला ये है कि जब हम एक वेबसाइट को पे कर रहे हैं हमारे लिए रिव्यू लिखने के लिए, तो वो इस तरह की चीजें कैसे लिख सकते हैं मेरे और मेरी फिल्म के बारे में? मैं आपको दोबारा बात करके बताती हूँ। हेलो। ए, सब? आओ, 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 हैव अ सीट। मुझे भी तुमसे कुछ बात करनी है। बताओ। ज़ूफ़ी के बारे में। ज़ूफ़ी? वो मेरा दोस्त, उस दिन मैं जीटी में लेकर आई थी तुम्हारी जीटी पार्टी। अच्छा, वो जो जो मॉडल है? हाँ, उसे भी ऑडिशन देना है तुम्हारी फिल्म के लिए। मैं मेल ऑडिशंस नहीं कर रहा। आई थिंक इस दफा मैं रहमान को रखूंगा फिल्म में। तो किसी और रोल के लिए ऑडिशन कर लो, वो तुम्हारा फैन है। टू बी ऑनेस्ट, मुझे उसमें कोई इंप्रेसिव बात नजर नहीं आई। क्या बात कर रहे हो, इतनी ऑफर्स आ रही है उसे। अगर ऑफर्स आ रही है तो ले ले। मुझे नहीं पता मोमिन, तुम्हें लेना पड़ेगा, मैंने उससे वादा कर लिया है। अच्छा, अभी घर चलते हैं, मैं तुम्हें दादा से मिलवाना है, ये मसला बाद में देख लेंगे। हाँ, और वैसे भी मुझे इस तरह के मर्द ज्यादा पसंद नहीं है जो औरत को सीढ़ी बना के जिंदगी में आगे जा। What do you mean? वो दोस्त है मेरा। Whatever. अगर उसको मेरे साथ काम करना था या चांस चाहिए था तो उसको खुद आना चाहिए था मेरे पास। हाँ? Let's go. जब पैसों का इंतजाम हो जाए तो तब बात करना, डोनर भी मिल जाएगा और गुर्दा भी लग जाएगा, पर बगैर पैसों के किसी से भी बात नहीं हो सकती। लेकिन मैं आपको ये बात बार बार बता रहा हूँ कि बगैर ट्रांसप्लांट के वो ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहेगा। मामा, सलाम अलैकुम खाला। ओह, कहाँ से आवाजें लगा रही थी तुम्हारे पीछे? सॉरी, मैंने सुनी नहीं आपकी आवाज। हाँ हाँ, स्टार जो हो गई हो अब क्यों सुनोगी? सो देख रही हूँ तुम्हारा, सुरैया से कहा, क्या एक्टिंग करती है तुम्हारी बेटी। शुक्रिया खाला। सीरियल क्यों नहीं कर रही? अब तुम कोई बहुत बड़ा रोल करना। बड़ा रोल भी करूँगी। घर गई थी तुम्हारे जहांगीर और सुरैया से भी, मगर बस जहांगीर के सामने हिम्मत नहीं हुई बात करने की। क्या हुआ आप मुझे बताइए। वो घर खाली करवाना है ना। खाली? हाँ, घर बेच रही हूँ। बेटा बहुत जिद कर रहा है घर खरीदेगा, उधर डिफेंस में पैसे थोड़े कम पड़ रहे हैं ना। अच्छा,
मैं आपने नहीं नहीं तुम फिक्र नहीं करो, एक दो माह दूंगी तुम्हें, तुम लोग आराम से घर ढूंढना, बहन हूं ना तुम्हारी और सुरैया की। अच्छा अब मैं चलती हूँ, दर्जी के पास भी जाना है मुझे, अल्लाह हाफिज। नदीम साहब ने तो जाहिर को देखते ही कह दिया था कि इस बच्चे में मुझे एक वहीद मुराद नजर आता है, ये बड़ा होके बहुत बड़ा आर्टिस्ट बनेगा। ये लो। वो तो मान ही नहीं रहे थे कि ये हमारा बेटा है, मजाक में कहने लगे कहां से उठाकर लाए उस नवाबजादे को। जब ठीक हो जाऊंगा अम्मा तो मैं फिर से एक्टिंग करूंगा। हाँ हाँ इंशाल्लाह, अगला अवार्ड मेरा बेटा बेस्ट एक्टर का लेगा। आपा को जिस दिन से फिल्म नहीं मिली मूड ही ऑफ हो गया इनका। मेरा तुम्हारा तो कोई मुकाबला है ही नहीं, देखो यहाँ पे तो मेरा एक भी अवार्ड नहीं है, सारे अवार्ड सारी शील्स तुम्हारी हैं। मेरी तरह तुम भी चाइल्ड आर्टिस्ट होती ना तो ये सारे अवार्ड तुम्हारे होते, तुम्हें तो किसी ने काम ही नहीं करने दिया। इसका बस चले तो ये आज भी ना करे, ये क्या कदर जानती है एक्टिंग की आर्टिस्ट की। उसने जहाँ कदर किया करती थी आर्टिस्ट की, मेरी तो इतनी कदर करती थी। और मेकअप तो वो बस मुझसे ही करवाती थी। पता नहीं अब्बा को हर बात पर हुस्ने जहाँ क्यों याद आ जाती है, और अब घंटों उसकी मिसालें देते रहेंगे। कभी कभी मुझे लगता है अब्बा को उससे जहाँ से मोहब्बत थी, सिर्फ काम नहीं करते थे उसके लिए। और अम्मा जहांगीर के इश्क में मुब्तला है, और मैं हम सब दायरों में चल रहे हैं, कोई दायरा किसी दूसरे दायरे से मिलता ही नहीं। So, हमारा वार्डरोब का डिपार्टमेंट बहुत ही कमजोर है यार। I'm thinking we should actually hire more people for it. What do you think? Momin? Interior change किया? नहीं तो? Paintings और sculptures गायब हैं। अच्छा वो बताया तो था थोड़े दिनों के लिए करना है। क्या? यार बहुत लूट थी वो। तो क्या हुआ? आर्ट था? नो, लेकिन दादा आए हुए हैं तो इस तरह से थोड़े दिनों के लिए हटा दिया। कंजर्वेटिव हैं, बुरा मनाते होंगे। नहीं कुछ कहा ही नहीं उन्होंने। तो फिर देखो कुरान पाक की आयात की कैलीग्राफी करते हैं, इसलिए मुझे लगा थोड़ा इनअप्रोप्रिएट होगा वो आए स्कल्पचर्स और पेंटिंग इस तरह की। ए दादा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नेहा ये है मेरे दादा जिनका भी जिक्र हो रहा था। इन दादा ये नेहा मेरी सबसे क्लोज वाली फ्रेंड। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा। मोमिन आपके बहुत तारीफ कर रहा था, बता रहा था कि आप कैलीग्राफी करते हैं। मोमिन भी तो करता है। सीरियसली? वेल कैलीग्राफी आने में और करने में जमीन आसमान का फर्क है, और मेरे पास टाइम नहीं है। बट हैव यू लर्नड इट? हां बचपन का शौक था दादा, बचपन में खत्म हो गया। अल्लाह ताला का नाम लिखने वाले हाथ, अल्लाह ताला का नाम लिखना तो छोड़ सकते हैं लेकिन भूल नहीं सकते। तुम जब भी कैलीग्राफी करोगे ना अच्छी ही करोगे। एनीवेज आप लोग बातें करें, मैं जरा ऊपर से चेंज करके आता हूँ। दादा मोमिन है स्टार डायरेक्टर है, कैलीग्राफी उसे स्टारडम नहीं देगी। आपने उसकी फिल्में देखी हैं? ओह यू मस्ट वॉच देम। वो औरत को जिस तरह स्क्रीन पर पेंट करता है ना दैट्स ऑसम। ऐसे पेश करता है अपनी हीरोइन को कि देखने वालों को उससे प्यार हो जाए। आप भी तो आर्टिस्ट हो, आपको तो पता होगा। चलो बे नेहा लेट्स गो। अच्छा दादा हम एक इवेंट पे जा रहे हैं, थोड़ा सा लेट हो जाएंगे, इंतजार मत कीजिएगा ठीक है? ओके भाई अल्लाह हाफिज़ दादा। ओके खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़।
और बेहतरीन चाइल्ड आर्टिस्ट का अवार्ड जीता है जहांगीर सुल्तान ने। आपकी जोरदार तालियों में बाबरा शरीफ इन्हें ये अवार्ड देंगी। तुम्हारी समझ नहीं आती मोमिन। मुझे भी अपनी समझ नहीं आती था। तुम मोमिन को समझती क्या हो कि तुम उसके पास जाओगी और वो तुम्हारी अपॉलजी एक्सेप्ट करके रोल तुम्हारे हाथ में थमा देगा। कोशिश करने में क्या हर्ज है? वो तुम्हें रोल नहीं देगा। देखो मैं वो बातें नहीं दोहराना चाहता जो तुम्हारे जाने के बाद उसने मुझसे की थी। तुम क्यों बेइज्जत होना चाहती हो? मुझे इस वक्त शोहरत और पैसों की जरूरत है दाऊद। इज्जत मेरी अब तरजीह नहीं रही। दाऊद क्या बना यार पार्टी का? वो मोमिन भाई ये आपसे कुछ बात करना चाहती हैं। कैसी बात? तुम क्या करने आई हो यहाँ पे? मैं आपसे एक्सक्यूज करने आई हूँ। उस दिन जो कुछ भी हुआ। आई जस्ट डू नॉट have the time to deal with your nonsense. और तुम दोबारा मुझे नजर ना हो, understood? और तुम जो हो ना, इस सारा दिन बैठ के इस तरह की दो-दो टके की लड़कियों के साथ बातें करते रहते हो, focus on your work. दोबारा मुझे नजर आई तो इसके साथ तुम्हें भी यहां स्टूडियो से बाहर निकाल दूंगा। शिकायत नहीं करूंगी। मुझे बाबा नहीं चाहिए, मुझे बस मम्मा चाहिए। नहीं हुई।
मुझे माफ कर दो हुस्ना जहां, माफ कर दो। आपको तो माफ कर दूंगी लेकिन अपने आप को कैसे माफ करूंगी? के साथ जा सकते हैं? तुम जाना चाहते जा सकते हो। मैं अकेले नहीं जाऊंगा, मैं आपके साथ जाऊंगा। हम पाकिस्तान जा रहे हैं। बॉक्स के बारे में कैसे पता चला? ये तो मेरा और अल्लाह का सीक्रेट था। अपना ख्याल रखिएगा। बनाया और तू चल पड़ी हुस्ना बनने। खुदगर्जी देखें अम्मा इसकी, हमारा नहीं सोचा। हम मरते या जीते इसे क्या परवाह थी? नहीं, इसे परवाह क्यों होनी थी? इसे तो प्यार मिल गया था। प्यार तो बड़ा होता है, बहन भाई माँ बाप, इसकी क्या परवाह। वो तो मसीहा इसके लिए बनकर आया था, शैतान तो हम थे। अरे ऐसा तो कोई अपने सौतेले रिश्तों के साथ भी नहीं करता जो इसने सगे रिश्तों के साथ किया। अरे कारोबार किया था मैंने, इसके जाने से डूब गया। पैसा चाहिए था उसमें डालने के लिए। और तो और मुझे फिल्में दिलानी थी, पर नहीं, बाजी को क्या, इनको तो खुद नंबर वन रहना था। इनका अपना सिक्का चलता रहे काफी है, बहन भाई जाए भाड़ में। कैसी कैसी मिन्नतें की मैंने, माँ की 24 साल की मेहनत को प्यार की भट्टी में ना झोंक, पर नहीं। अब क्या जरूरत थी वापस आने की, हैं? 8 साल बाद। बाजी को अब भी लगता है कि वो पिकनिक मनाने गई थी। जब इनका दिल चाहे चली जाए, जब इनका दिल चाहे वापस आ जाए। नंबर वन हीरोइन बनाया था इसे, करोड़ों मर्दों के दिलों दिमाग पर राज कर रही थी, पर इसे तो चाहिए था मर्द के नाम का एक बट्टा और ये बच्चा। अब क्या करने आई है बता मुमताज, क्या करे तेरा अचार डाले? Ooh.
प्यार करके आई हूँ। सुल्तान से मेकअप करवाने के लिए बड़े छोटे एक्टर मिन्नतें किया करते थे, मिन्नतें, लेकिन सुल्तान के पास वक्त ही नहीं होता था। उसने जहाँ की फिल्में ही ख़त्म नहीं होती थी, उसके बाद शोज, परफॉर्मेंसेस, कितने ही तो मुल्क घूम लिया मैं उसने जहाँ के साथ उस ज़माने में, इंडिया, चाइना, लंदन, तुर्की। तुर्की लड़ गया बस। बस सुल्तान भाई दुआ करना आज ऐसी परफॉर्मेंस दे दूँ कि छा जाऊँ। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। उसने जहाँ भी ऐसे ही कहा करता, मैं अपने हाथों से इमाम जामिन बांधा करता था, सदका करता था, खैरात करता था, खैरात के चावल बटते थे ना, तब उसने जहाँ सेट पर पांव रखती थी। और अगर कहीं मुझे शक हो जाता था किसी फिल्म या प्रोड्यूसर के बारे में, तो सारी दुनिया एक तरफ, उसने जहाँ वो फिल्म नहीं करती थी। सुल्तान भाई तुमको तो अभी भी एक एक बात ऐसे अपने ज़माने की याद है जैसे कल की बात हो। ना ज़माना कल की बात होता है, वो कल जो कभी गुजरा ही नहीं। हमें क्या पता था कि अपना कल ऐसे कल हो जाएगा। हुनर तो बहुत है सुल्तान भाई तुम्हारे हाथों में, लेकिन पैसा नहीं है। जब इतना ही नाम बनाया था तो कुछ पैसा भी बना लेते। आजकल के मेकअप आर्टिस्ट देखो, वो दुकानें बना रहे हैं, क्या कहते हैं, सलून, और कुछ नहीं तो सर की कोई छत ही बना लेते, जगह जगह धक्के तो ना खाते। पैसा बनाना नहीं आया सुल्तान, अपने आप को सुल्तान ही समझता है। पता ही नहीं चला उसने जहाँ के उरूज के साथ साथ सुल्तान के उरूज का सूरज भी डूब गया। भीख मांगने के लिए मेरे आगे पीछे फिरने की जरूरत नहीं है तुम्हें। All of this is as cheap as you are। बगैर पैसों के किसी से बात नहीं हो सकती, लेकिन ये बात मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि ज्यादा दिन जिएगा नहीं। तुम मुझे मरने नहीं देना। मोमिन की फिल्म में तुम्हारे लिए कोई रोल? वो घर खाली करवाना है ना। दादा जान, मोमिन भाई की ना शादी करते हैं। बैठे बैठाए तुम्हें मोमिन की शादी का कैसे ख्याल आ गया भाई? 24 घंटे पार्टियां होती रहे, लड़कियां आती रहे, तो शादी का मशवरा ही देगा ना एक। शरीफ आदमी। वैसे मोमिन भाई बड़े शरीफ आदमी है, लड़कियां अच्छी नहीं होती ना आजकल की, शरीफ आदमी को भी खराब कर देती है। दादा जान बातें ना मोमिन भाई को ना बताइएगा, पहली शुबा रहता है कि हम उनकी बातें ना लोगों को बताते हैं, बल्कि आप कितने दिन से यहाँ हैं, हमने कोई एक बात भी बताई हो आपको? तुमने मुझे एक बात भी नहीं बताई। दादा जान आपकी यही बातें तो हमें अच्छी लगती हैं, आप बड़े सच्चे आदमी हैं। वैसे आपको एक बात बताऊं, मोमिन भाई ना आपसे बड़ा डरते हैं। मुझसे लगता है? हाँ ना, इसलिए तो आपके आने के बाद सारी तस्वीरें और मुजस्मे उठवा के ना स्टोर में रखती हैं, और उस चीज के डब्बे भी उठवा के ना फ्रिज से रखती हैं। समझ रहे ना किन चीजों की बात कर रहा हूँ मैं? वो
मुझे तो दाऊद ने बताया था कि हॉलीवुड फिल्म का एक स्पेल यहाँ शूट होना है जिसकी कास्टिंग वो कर रहे हैं आजकल यहाँ पर। पीसी में ठहरी हुई है तबस्सुम। मैंने तो दाऊद से कहा है मेरा तुम्हारा ऑडिशन करा दे बस किसी तरह। यहाँ की फिल्म में तो चांस मिला नहीं, हॉलीवुड में मिलेगा। चांस मिले ना मिले तो क्या होता है, ऑडिशन तो देना चाहिए ना। मेरे पहले ही बहुत दिन जाया मोमिन की फिल्म के ऑडिशन के लिए, अब और नहीं। उसने वैसे कास्टिंग कर ली है? मुझे जानने में कोई दिलचस्पी नहीं। तफा करो, उसका भी वैसे दिमाग ख़राब है, कामयाबी मिलने के बाद ना यही होता है। अरे मैं तो तुम्हें बताना ही भूल गई, फैसल से मुलाकात हुई मेरी। फैसल से? वो अमेरिका से आ गया? हाँ आया हुआ है। परसों मुलाकात हुई मेरी हॉल में, तुम्हारा पूछ रहा था। क्या हाल? यार अब रोना मत। नहीं बहुत ठंडी है ये। ठंडी ना भी होती तो भी ऐसे रोती तुम। मत याद किया करो। याद नहीं करती उसे, बस भूल नहीं सकती। मिलोगी उससे? कह रहा था। नहीं मैं कह रही हूँ। नहीं तुम स्टार्ट नहीं कर रही। ना मिलो इसलिए नहीं कर रही। कल रात 2 बजे तक तुम्हारा इंतजार करता रहा। वो काफी देर हो गई कल आने में, 3 बजे के आसपास आया था। क्यों, कोई काम था आपको? नहीं, तुमसे बातचीत करनी थी। जब से आया हूं तुमसे मिल बैठने की फुर्सत ही नहीं है। क्या करें दादा, ऐसी है जिंदगी। ऐसी होनी तो नहीं चाहिए। होनी तो नहीं चाहिए लेकिन है वेरी फास्ट पेस्ड। अच्छा बताएं कि नेहा कैसी लगी आपको? नेहा? वो लड़की जिससे आपको मिलाया था उन्होंने? हाँ अच्छी है। शादी करना चाहता हूँ उससे मैं। ये तो मुझे पहले से ही अंदाजा था। वैसे हर चीज पहले से पता लग जाती है आपको। हाँ खास तौर पे तुम्हारे बारे में। मुझे लगता है हर चीज पहले से पता लग जाती है आपको। तुम खुश हो? क्या पूछा आपने? मैं पूछ रहा हूं तुम खुश हो? ऑब्वियसली खुश हूं, बल्कि बहुत ही ज्यादा खुश हूं। ये कैसा सवाल था? ऐसे लगते क्यों नहीं? मेरा लाइफस्टाइल देखे, मेरा घर देखे, गाड़ियां देखे, मेरी शोहरत देखे, मेरा करियर देखे, ये वो सारी चीजें जो मेरी उम्र के किसी भी लड़के का ख्वाब। खुश ना होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। शायद गलत सवाल कर बैठा, बूढ़ा हो गया। बाज़ुकात गलत सवाल पूछ लेता हूं। मुझे सारा याद हो गया। अच्छा मुझे सुनाओ। सीन नंबर? सीन नंबर 13 नहीं 8वां। हीरो नायल और हीरोइन आप पीने का सीन। अरे तुम गुस्सा क्यों खा रही हो? हीरोइन का भी सुनाओ क्या?
अच्छा चलो हीरोइन मैं बनती हूँ। गुस्सा खाने वाली बात है। खूबसूरत लग रही हो। बको मत। तारीफ करो तो गुस्सा, ना करो तो गुस्सा। अब मुझे भी तुम पे गुस्सा आने लगा है। तो ठीक है, सब कुछ खत्म कर देते हैं। आयजा और मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। तुम्हारा नहीं है, उसका है। वो भी नहीं है। अच्छा, भाई हो ना तुम उसके? वो तो मैं तुम्हारा हूँ। स्क्रिप्ट में भूल गए ना? क्या हुआ? क्या पागलपन है? अम्मा को भी रोल देते थे। इतनी तमीज वाली कोई माँ और सास का रोल नहीं है स्क्रिप्ट। सब चुड़ैले हैं। तो क्या हुआ, मैं भी लड़ाका बन सकती हूँ। दो मिनट का काम है, रोल तो दिलाओ तुम मुझे। अम्मा पहले मुझे तो मिल जाए। हेलो। मुबारक हो, मुबारक। क्या हुआ? तुम ऑडिशन के लिए सिलेक्ट हो गई हो, कर लो लाहौर की तैयारी। समझी नहीं। वो हॉलीवुड फिल्म की बात कर रही हूँ, दाऊद की कॉल आई थी तुम्हारे लिए। अच्छा, टिकट भी भिजवाएंगे तुम्हारी और स्टे वगैरह भी करवाएंगे। दाऊद कॉल करेगा तुम्हें। और तुम, तुम्हारा क्या हुआ? नहीं हुआ, लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारा हो गया ना, इस पर मैं खुश हूँ। अच्छा, मैं रात को फोन करूंगी। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। क्या हुआ? वो जो हॉलीवुड की फिल्म का ऑडिशन के लिए शोरील भेजी थी, उन्होंने सिलेक्ट कर लिया ऑडिशन के लिए। क्या? अरे वाह पापा, देखा, मैं कहता था ना। अल्लाह तेरा शुक्र है। अम्मा, अभी से वो ऑडिशन के लिए सिलेक्ट किया है, रोल नहीं मिला अभी तक। वो भी मिल जाएगा। बहुत जाना होगा। हाँ तो क्या हुआ, इसमें कौन सी बड़ी बात है, चली जाना तू। तुम्हारे अब्बा को तो बता के आऊँ मैं। पापा, तुमने ना बहुत बड़ा स्टार बनना है, मैं बता रहा हूँ तुम्हें। हॉलीवुड में काम करोगी और फिर ऑस्कर लेने जाओगी और स्पीच करना और मेरा थैंक यू करना कि अगर जहांगीर ना होता। बस बस, इतनी लंबी लंबी मत छोड़ो गप्पू। ऑस्कर 3 सीन्स का रोल है और अभी तक मिला नहीं है। चलो ना मानो, कह लो मुझे गप्पू। मेरा लाइफस्टाइल, मेरा घर देखे, गाड़ियां देखे, मेरी शोहरत देखे, मेरा करियर देखे, मेरे पास तो सब कुछ है जो मेरे उम्र के किसी भी लड़के का ख्वाब हो। तो खुश होना तो बनता है ना, ऐसे लगते क्यों नहीं?